आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता की शादी किसी फिल्म की कहानी से अलग नहीं है। इनकी शादी का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। ये किस्सा इतना दिलचस्प है कि इस पर बॉलीवुड की एक बेहतरीन लव स्टोरी फिल्माई जा सकती है। रीना आमिर के बचपन की दोस्त थी और उनके घर के बगल में ही रहा करती थी। रीना आमिर की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका उन दोनों को पता नहीं लग सका। एक दूसरे के प्यार में डूबने के बाद दोनों ने 18 अप्रैल 1986 में घरवालों से छुपकर शादी कर ली थी। खबरों की माने तो रीना के हिंदू होने की वजह से आमिर के परिवार ने उन्हें कबूला नहीं। रीना से आमिर के दो बच्चे हैं, बेटे का नाम जुनैद और बेटी का नाम इरा है। आइए आपको बताते हैं आमिर खान की रीना दत्ता से चोरी छुपे शादी और तलाक के बाद किरण राव से शादी की पूरी कहानी। जिस तरह से आमिर और रीना की शादी ने उनके परिवार और मीडिया वालों को चौंकाया था, उसी तरह से इनके तलाक ने भी सबको हैरान कर दिया था। 16 साल की शादी के बाद 2002 में दोनों का तलाक हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। रीना से तलाक के बाद आमिर की मुलाकात किरण राव से हुई। बताया जाता है कि इनकी पहली मुलाकात एक एड शूटिंग के दौरान हुई थी। किरण राव आमिर खान की फिल्म लगान में असिस्टेंट डायरेक्टर थी। यहीं पर आमिर और किरण में प्यार हुआ और साल 2005 में इन्होंने शादी कर ली। आमिर और किरण का एक बेटा है जिसका नाम आजाद राव खान है। वैसे तलाक के इतने सालों बाद भी रीना दत्ता और आमिर का रिश्ता सुलझा हुआ है। इन दोनों को एक साथ कई बार स्पॉट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ.इन।